How to fix MX Takatak network error, please check and try again problem. नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का तिकिराज YouTube चैनल पर। तो दोस्तों, अगर आपको जो है MX Takatak पर इस तरह का कोई भी प्रॉब्लम आ रहा है तो आप इसको कैसे फिक्स कर सकते हैं, आज के इस वीडियो पर मैं आपको इसी के रिगार्डिंग पर जो है सॉल्यूशन बताने वाला हूँ। ठीक है, जैसे कि दोस्तों आप भी स्क्रीन पर देख सकते हैं, यहाँ पर यह लिखा हुआ है कि नेटवर्क एरर, प्लीज़ चेक एंड ट्राई अगेन। बेसिकली दोस्तों ये एक नेटवर्क की तरफ से जो है एरर आते हैं, ठीक है, तो उसी को हमें फिक्स करना होता है। लेकिन दोस्तों कभी कभार क्या होता है, ऐप में बग प्रॉब्लम होते हैं तो उसके वजह से भी हमें इस तरह का एरर जो है देखने को मिल जाते हैं। तो इसको कैसे फिक्स करना है, कैसे करके आपको सॉल्व करना है, ये सब मैं आपको इस वीडियो पर बताने वाला हूँ। वीडियो को अंत तक देखें, सॉल्यूशन को फॉलो करें, आपका प्रॉब्लम फिक्स हो जाएगा। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक जरूर से करें। अगर आपको ऑनलाइन पैसा कमाना है तो वीडियो डिस्क्रिप्शन पर लिंक आपको मिल जाएगा। किसी भी प्रॉब्लम के रिगार्डिंग पर आप हमें ट्विटर पर फॉलो करके मैसेज कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले तो आपको करना क्या होगा, अगर आपको इस तरह का कोई भी नेटवर्क के रिलेटेड में एरर आ जाते हैं तो आप अपना जो यहाँ पर इंटरनेट कनेक्टिविटी है उसको बंद कर लीजिए, ठीक है, उसको बंद कर लीजिए एंड देन एयरप्लेन मोड को ऑन कर लीजिए। जैसे ही एयरप्लेन मोड ऑन करेगा आप वेट कीजिए एक मिनट, ठीक है, उसके बाद एयरप्लेन मोड को डिसेबल कीजिए, मोबाइल को रिस्टार्ट कीजिए, इंटरनेट को ऑन कीजिए और उसके बाद दोस्तों आप जो है रिसेंट बटन पर क्लिक करके सारे ऐप को क्लोज कर दीजिए। इससे क्या होगा, आपका ऐप जो है वो रिस्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट में आप जाके ट्राई करें, आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। इस तरीके से दोस्तों आप बेसिकली प्रॉब्लम को सॉल्व आउट कर सकते हैं, ठीक है, यह एक बेसिक सॉल्यूशन है, ट्राई करके देखें। प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है तो अच्छी बात है, अगर प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो पाते तो दोस्तों जाइए अपने मोबाइल के सेटिंग पर एंड देन आपको यहाँ पर मिलेगा डुअल सिम एंड मोबाइल नेटवर्क, उसको ओपन करना है। उसको ओपन करने के बाद उस सिम पर जाइए जहाँ पर आप डेटा कनेक्शन यूज़ कर रहे हैं। यहाँ पर आपको क्या करना है, प्रीफर्ड नेटवर्क टाइप पर जाना है और नेटवर्क को स्विच करना है, ठीक है, 4G 3G के बीच में आपको नेटवर्क स्विच करना है। स्विच करने के बाद दोस्तों आप चेक कीजिए कि कौन सा नेटवर्क अच्छे से आ रहा है। अगर 4G अच्छे से काम करे आपके एरिया में तो 4G यूज़ करें, अगर 3G अच्छे से काम करे तो 3G यूज़ कीजिए। तो इस तरीके से दोस्तों आप जो है यहाँ पर नेटवर्क कनेक्टिविटी को स्विच करके एक बार चेकआउट करके देखें, प्रॉब्लम आपका सॉल्व हो जाना चाहिए, ठीक है। एक बार जाके आप रिट्राई करके देखें, अगर प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है तो ठीक है, अगर नहीं हो पाते हैं प्रॉब्लम सॉल्व तो आप ऐप को अपडेट कीजिए। कई बार दोस्तों क्या होता है, ऐप में बग की वजह से प्रॉब्लम आ जाते हैं, तो ऐप को अपडेट कीजिए एंड देन मोबाइल को रिस्टार्ट करते हुए एक बार चेकआउट करके देखिए, प्रॉब्लम आपका सॉल्व हो जाएगा। इस तरीके से आप अपने प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों मान लीजिए इसके बाद भी अगर आपको प्रॉब्लम आ जाते हैं तो दोस्तों नेक्स्ट में आपको क्या करना है, तो नेक्स्ट सॉल्यूशन ही आप यहाँ पर फॉलो कीजिए। नेक्स्ट पे आपको क्या करना है, सेटिंग पर जाना है, स्क्रॉल डाउन करना है एंड देन आपको यहाँ पर मिलेगा इस तरह का इंटरफेस जहाँ पर आपको क्लिक करना है ऐप मैनेजमेंट के अंदर पे। ऐप मैनेजमेंट मैनेज ऐप या फिर इंस्टॉल ऐप करके आपको किसी भी एंड्रॉइड डिवाइस की ऑप्शन मिल जाएगा और उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको स्क्रॉल डाउन करके MX Takatak उसके अंदर पे जाना है और नेक्स्ट पे दोस्तों आप जाइए स्टोरेज यूजर्स में, क्लियर डेटा पर क्लिक करके क्लियर कर दे एंड देन दोस्तों आपको जाना है डेटा यूजर्स डिटेल पे, नेटवर्क परमिशन पर जाके नेटवर्क परमिशन को अलाउ करना है, वाईफाई एंड मोबाइल डेटा दोनों आपका इनेबल होना चाहिए। उसके बाद परमिशन पर जाइए, सारे परमिशंस आप वन बाय वन अलाउ कर दीजिए, ठीक है, और ये कर लेने के बाद मोबाइल को एक बार स्टार्ट करें एंड देन दोबारा से जाइए आपने MX Takatak अकाउंट पे, क्लियर डेटा कर दिया है आपको दोबारा से रजिस्टर करना पड़ेगा OTP के थ्रू और उसके बाद चेक करके देखिए आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। कई बार दोस्तों इस तरह का प्रॉब्लम जो है सामने आ जाते हैं एप्लीकेशन के वजह से या तो फिर नेटवर्क प्रॉब्लम के वजह से। पहले आप नेटवर्क को फिक्स करने की कोशिश करें, अगर उससे काम बन जाता है तो आप आगे सॉल्यूशन मत कीजिए, लेकिन अगर नेटवर्क फिक्स हो जाने के बाद भी प्रॉब्लम करते तब दोस्तों जाके आपको एप्लीकेशन के सॉल्यूशन करना है, ठीक है। तो यह था दोस्तों आपका MX Takatak का सॉल्यूशन। उम्मीद करते हैं आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।